वैसी बात, मैं ये है पिक्चर अच्छा फील होगी, हाँ टाइगर वाटिटी इमोशनल भी करा देंगे, लेकिन जो ओवरऑल आप एक्सपीरियंस चाहते हो गौर से, जो लोग गौर को जानते हैं, वो नहीं मिलेगा कि हाँ आपको पूरा समझने को उसको अच्छा। मिलेगा। बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल। अब मतलब आज के दो टाइम पे घंटे की मुश्किल लग रहा है, पिक्चर बट है, फिर भी कुछ भी अपन लोग ऐसे दो घंटे की कॉन्क्रीट मूवी में, 2 घंटे की मूवी में इस चीज को पुल हाँ ऑफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि बता रहे हैं एक हेविली ये कॉमेडी मूवी होने वाली है, उसके ऊपर से कहाँ फैंटेसी डालोगे यार उसमें। सीरियसनेस, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली स्टोरी थोड़ा सा सीरियसनेस डिजर्व करती थी, गौर द गॉड बुचर की। पर अब क्योंकि आपको एक मूवी में जेन एक होता फॉस्टर है का ना, भी ओरिजिन दिखाना है। क्योंकि हाँ थॉर के लिए नया पर्पस ढूंढना है, नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस मैं कराना वो है, बताए ताकि वो जेन फॉस्टर का उनको बकरा अमेरिका चैवेस की तरह इंट्रोडक्शन में नहीं चाहता, ठीक है मतलब साला हाँ वही बस गॉड्स बन को भी गई। इंट्रोड्यू गॉड्स को भी टाइम देना पड़ेगा ना, अगर उनको हलाल करना है तो सही है ना, कुछ तो इंपॉर्टेंस देखो लगेगी वही मर गए। कॉमिक्स में जैसे कि अभी मैं मूवी का कॉन्सेप्ट ये समझ रहा हूँ कि भाई गौर के लिए कि भाई सारे देवता ऐसे अय्याश होते हैं, दिखा दिया ज्यूस को भी एकदम से हरामी आदमी मस्ती मजाक में चल रहा है, तो भाई वो और भड़क वो और भड़क जाएगा उस पे, और भड़क जाएगा। लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं है, गॉड्स हैं सीरियस लेकिन फिर भी मार रहा है गौर सबको। एक्चुअली क्या है कि वो उसका उसका हाँ पाथ रिवेंज वाला है, और एक्चुअली क्या होता है तो ऐसा कॉमिक्स का ऐसा ना, हो जाएगा, ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना कि हाँ ये अय्याश आदमी तो मरना वही डिजर्व मतलब करता है। इजी बना रहे उसके लिए रास्ता जो है, हाँ इजी बना रहे कि हाँ वो भगवान जो है वो अय्याश था इसलिए मरना बनता था उसका। हाँ जो कि मतलब सबसे पहले मैं जैसे कॉमिक्स की जो फिलॉसफी है बेसिकली, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि गौर के साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो ही इज ड्रिवन बाय एंगर, ही इज ड्रिवन बाय रेज। लेकिन यहाँ पे मूवी में मेरे को ऐसा ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे आप खुद ही दिखा रहे हो कि ये भगवान तो है ही ऐसे, तो इनको मारो हाँ, ये। तो भाई हाँ वो भाई मोटिवेशन क्लियर हो जाता है ना हाँ कि ये हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मार शेड दो। ऑफ ग्रे ही नहीं है, मतलब सीधे ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ कि मतलब ज्यूस तो अपन जान रहे, ज्यूस ठर की आदमी हाँ है वो तो भाई गौर, मार दो उसको। वो थॉर को ऐसे यूं करके भंगोड़ी दे के और नंगा कर रहा है उसको, तो क्या ही मतलब फिर। अब हाँ वो कॉमेडी की ह्यूमर की सब्जेक्टिव बात हो जाती है, लेकिन अपन नहीं।